मित्रों, योग एक सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, हम सभी जानते हैं। विशेष करके दुनिया की इस महात्रासदी के उपरांत दुनिया की कोई कोने में ऐसा लोग नहीं है। कोरोना की महामारी की सबसे प्रिवेंटिव मेडिसिन प्राणायाम रहा है, योग रहा है। योग के माध्यम से बचाए रखे हैं, वो अपने को मिसाल बना के प्रस्तुत किए हैं। योग इसलिए सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटीज तक सीमित नहीं रहा, व्यक्ति की सारे पुर्जे को धमनी की सारे अंश को, सारे कण को, एक एक बिंदु को नियंत्रित करने का एक संपूर्ण शास्त्र योग है। भारत की सभ्यता की आरंभ से इसको हम लोगों ने अपनाया है। आज दुनिया की तनाव भरी दुनिया में जब व्यक्ति दुनिया संचार कई प्रकार की उलझन में फंसी हुई है, शायद उसी की उत्तर योग में भी है। अभी हम सभी को परमादरणीय श्री श्री रविशंकर जी का संदेश भी मिला। दुनिया में कोई संत नहीं है, कोई साधु नहीं है जिन्होंने दुनिया के कल्याण के बारे में नहीं सोचा है। आज सुखद संयोग है, हम भारत की संतों को, भारत की आज की संत परंपरा को भी उसके साथ जोड़ पा रहे हैं। मेरे लिए अत्यंत व्यक्तिगत हर्ष की विषय है, जैसे अभी वाइस चांसलर बंसल जी ने बताया कि हिमाचल सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी योग को अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बना रहा है। योग सिर्फ एक पूजा पद्धति नहीं है, एक कर्मकांड नहीं है, एक जीवन पद्धति है। यह तब साबित होगा जब बचपन से लेके उच्च शिक्षा तक, रिसर्च तक, उसके बारे में निरंतर शोध होते रहना चाहिए, चर्चा होते रहना चाहिए, उसको आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने लगा है, 2020 में 34 साल के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में प्रधानमंत्री जी ने लागू करवाया, उसी में एक प्रमुख अंश रहने वाला है योग। अभी आयु 3 से बच्चों का सरकारी स्कूलों में प्ले स्कूल की भांति बाल वाटिका भी शुरू हो जाएगा। उस बाल वाटिका 1 से ही उच्च शिक्षा तक योग को पाठ्यक्रम का अंश किया जाएगा। ये एक इलेक्टिव नहीं रहेगा, ये एक कैजुअल स्टडी नहीं रहेगा, योग को भी मूल्यांकन किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नई क्रेडिट फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। क्रेडिट फ्रेमवर्क में जो नौजवान, जो बच्चे योग के अभ्यास में अपने क्रेडिट रेटिंग पे मूल्यांकन आधारित कुछ अर्जन करेंगे, ये उनकी कैरियर ग्रोथ पाथ में भी मदद करने वाला है। तब इसकी गंभीरता बढ़ेगी, फिर आगे उसकी गहन अनुसंधान हो, उसके ऊपर रिसर्च हो, उसकी तरह तरह की समस्याओं के साथ जुड़ी हुई समाधान भी हो, फिजिकल और मेंटल। मैं आने वाले दिनों में ये कल्पना कर सकता हूं, ये स्वप्न देख सकता हूं, दुनिया के लोग हिमाचल आते हैं पर्यटन के लिए, उसकी सुंदरता देखने के लिए। आने वाले दिनों में लोग यहाँ सिर्फ सुंदरता दिखने के लिए ना आए, सिर्फ बायोडाइवर्सिटी ग्रीनरी दिखने के लिए ना आए, लोग शांति के लिए आए। शांति के माध्यम पर्यटन के साथ साथ योग भी हो, और तब हिमाचल सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने जिम्मेवारी को ठीक से निभा पाएगी। कोई भी विषय, कोई भी दुनिया, आज कहा जाता है 21वीं सदी ज्ञान आधारित होगा, नॉलेज बेस इकोनॉमी की सदी होगी। मैं देख पा रहा हूं आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश के अंदर जो उच्च कोटि की शिक्षानुष्ठान है, वो प्रदेश सरकार से चलने वाले यूनिवर्सिटीज हो
या भारत सरकार की योजना से चलने वाले सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, एनआईटी हो, आईआईटी हो, ऐसे सारे संगठनों के साथ मिलके हिमाचल की इस बड़ी विरासत को दुनिया के सामने, इस नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के एक केंद्र बिंदु हम लोग सब मिलके बनाए, योग उसकी एक प्रमुख कैटलिस्ट बने आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे, जब हम मिलके थोड़े समय के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी की उद्बोधन हम सभी लोग सुनेंगे, फिर सामूहिक रूप में योग करेंगे, और आज आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर दुनिया को दृश्य दिखने को मिलेगा। योग की इस बड़ी परंपरा भारत की कौन सी 75 जगह पे उसकी प्रतिफलन हो रहा है, आज हम सभी का सौभाग्य है। हम आज यहीं बैठ के इस किले में भारत की अनेक संघर्ष इतिहास साक्षी है, उसी किले के अंदर छुपा हुआ है। आज 21वीं सदी के इस प्रवास में, आज के दिन 21 जून 2022 कांगड़ा फोर्ट भी, कांगड़ा किला भी विश्व की इस तनाव भरी समय में समाधान की एक पथ दिखाएगा। इसी शुभेच्छा के साथ आप सभी को इस योग उत्सव में मैं स्वागत करता हूं, सबका आभार प्रकट करता हूं।